स्वागत है आपका फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया दोस्तों। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो पुआ 2 के बारे में दोस्तों। टेक्नो पुआ पवा कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, टेक्नो की तरफ से बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है दोस्तों। इसकी पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ में दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन को क्यों खरीदना चाहिए, इस वाले स्मार्टफोन में प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और इसी के साथ में अगर आपकी बजट 11,000 रुपये या फिर दोस्तों 10,000 रुपये, अगर आप एक तगड़ा सा स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं या फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बड़ी सी बैटरी चाहिए और इसी के साथ में एक बड़ी सी डिस्प्ले वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं दोस्तों। इस वाले स्मार्टफोन में काफी तगड़े से फीचर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं दोस्तों और इसी के साथ में इस वाले स्मार्टफोन के सारे फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और दोस्तों इसी के साथ में आपको इस वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मैं इस वाली वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों एक कहानी शुरू होती है दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले अपडेट किया था कि टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमन और इसी के साथ में टेक्नो पुआ 2 भी दो स्मार्टफोन टेक्नो की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं। सो ऐसा कुछ मैं आपको बता दे दोस्तों, फाइनली दोस्तों जब इसकी लॉन्च डेट वगैरह निकल कर आई तो तब भी मैं आपको अपडेट किया था और दोस्तों आज फाइनली 16 स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर। अब दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसके अंदर 6.9 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों। शायद आपको इतनी बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है इस वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से, शायद कोई भी स्मार्टफोन नहीं होगा इतनी बड़ी आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। आपको हाथ में वगैरह पकड़ेंगे तो आपको बड़ा सा स्मार्टफोन देखने को मिलता है, स्क्रीन भी आपको काफी ब्राइट देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको 60Hz की रिफ्रेशिंग रेट मिलती है दोस्तों, आपको डिस्प्ले काफी स्मूथ भी देखने को मिलेगी और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको 180Hz की टच सैंपलिंग रेट वगैरह देखने को मिलती है दोस्तों। टच रिस्पॉन्स भी आपको बहुत ही खतरनाक देखने को मिलेगा दोस्तों और दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही कमाल की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको MediaTek Helio G85 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों। ये काफी तगड़ा सा प्रोसेसर है दोस्तों, अगर दोस्तों हम 10,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो ये प्रोसेसर काफी आपको तगड़ा सा देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह करेंगे तो आपको स्मूथ गेमिंग देखने को मिलती है, मतलब हाई ग्राफिक्स पर वगैरह नहीं चलेगी दोस्तों, लेकिन आपको मीडियम तक गेमिंग वगैरह देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अंदर आपको कैमरे के मामले में भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, आपको काफी तगड़ा सा कैमरा देखने को मिलता है बैक साइड में और इसी के साथ में 7000 mAh की आपको बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों। अगर आप इसे एक बार चार्ज करेंगे तो आराम से दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या फिर गेम वगैरह कर रहे हैं तो पूरा एक दिन आपका आराम से चले जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको 18W का चार्जर देखने को मिलता है इनबॉक्स दोस्तों, अगर इसके जगह 30W या फिर 25W का भी दे तो बेहतर हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे इतना कंफर्म कह सकता हूँ दोस्तों 7000 mAh की बैटरी फुल होने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा दोस्तों, 18W के चार्जिंग से तो थोड़ा सा वक्त लगता ही है दोस्तों। और इसी के साथ में इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 और इसी के साथ में इनका जो खुद का हाई वॉइस 7.6 है दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलता है और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 3.5 में ऑडियो जैक देखने को मिलता है और दोस्तों इसी के साथ में 9.6 mm की थिकनेस वगैरह देखने को मिलती है दोस्तों। आपको थोड़ा सा वेट भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको बड़ा भी स्मार्टफोन देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में आपको काफी तगड़े से स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अगर आपकी बजट 10,000 रुपए है तो आप इस वाले स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस वाले स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जरूर देखें दोस्तों, कि आपको बड़ी सी बैटरी चाहिए या फिर आपको कैमरा चाहिए या फिर आपको तगड़ा सा प्रोसेसर चाहिए। तो दोस्तों ये सारे चीजों को देखते हुए स्मार्टफोन को खरीदें दोस्तों। इसके अंदर आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलती है दोस्तों, जैसे बैटरी हो, इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों, इसके अंदर जो कैमरा है और इसी के साथ में इसका प्रोसेसर भी इस वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़ा सा प्रोसेसर है दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर आपको काफी तगड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिलता है। इसके अंदर थोड़ी सी कमी लगी दोस्तों मुझे, इसके अंदर 18W के चार्जिंग की जगह 25 या फिर 30W का भी दे तो बेहतर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो 7000 mAh की बैटरी है दोस्तों उसे चार्ज करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा दोस्तों। इसकी बेस वेरिएंट और उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब आपको 10,499 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। ये जो प्राइस है दोस्तों फर्स्ट सेल की प्राइस है दोस्तों, 5 अगस्त को इसका फर्स्ट सेल जाने वाला है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट सेल के बाद में खरीदेंगे तो दोस्तों आपको इसकी प्राइस करीब 11,000 रुपए के करीब
देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको 500 रुपए का कूपन मिलने वाला है दोस्तों जियो की तरफ से। ये जियो की तरफ से ऑफर है दोस्तों, और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों। एक बार आप इस वाले स्मार्टफोन को खरीदने से पहले दोस्तों, और जियो सिम को डालने से पहले, और इसी के साथ में इस वाले ऑफर को अप्लाई करने से पहले इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों उसे एक बार जरूर रीड करें दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे कंडीशन वगैरह देखने को मिल रहे हैं। शायद आपको उसके अंदर एक साल तक जियो का सिम इस्तेमाल करना होगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मेरे ओपिनियन के बारे में बात करेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो काफी तगड़ा सा स्मार्टफोन है दोस्तों। और इसी के साथ मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताइए दोस्तों, आपको इस वाले स्मार्टफोन में कौन से स्पेसिफिकेशन फीचर वगैरह आपको देखने में कैसे लगे, और इस वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन कैसे लगे, ये सारी चीजों को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको इस वाली वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी के साथ ही मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।